यार सिंधी तो वैसे समझ में पूरी हाँ जी बिल्कुल आती है, बल्कि मैं आपके कई प्रोग्रामों में मैं बैठा हूँ जाके जी बिल्कुल सो माँ ये चवंदमि त माशाल्लाह सां सर जेके आहिनि उहे लिखंदा बि आहिनि त कॉलमिस्ट बि आहिनि रोज़ जेको आहे हर अख़बार में या मां चवां त कंहिं कंहिं अख़बार में जेको आहे उहो सर जो कॉलम ज़रूरु छपंदो आहे त सर ये इस इन इतने ज़्यादा शोबों में आप इन हैं और एक्टिव हैं तो कैसे मतलब टाइम देते हैं और इंसाफ होता है उनके साथ ही नहीं? इकरा देखिए जो हैट्स मैंने पहन रखे हैं उसके अंदर मैं मोरक्को का ऑनरी काउंसिल जनरल भी हूँ, हाँ जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी फेडरेशन का रह चुका हूँ, मैं कॉलम भी लिखता हूँ, टीवी प्रोग्राम्स में भी जाता हूँ, मगर सबसे क्लोज जो चीज़ मेरी हार्ट को है वो मेक ए विश फाउंडेशन है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जब लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप सोचते हैं कि जी जो भी आपने स्टेटस हासिल करना था, अचीवमेंट हासिल करनी थी, वो आप कर लें, तो आपके ऊपर ये होता है कि किस तरह आपको अपने मुल्क को वापस कुछ करें जो आप कुछ कर सकते हैं। तो अब हम इस स्टेज में हैं कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है कि जी घर बड़ा हो, गाड़ी बड़ी हो, ये हो, अब ये होता है जी किस तरह पे बैक करना है अपना उस मुल्क को जिसने आपके लिए इतना कुछ किया है। तो ये मेक ए विश एक फाउंडेशन है जो एक इंटरनेशनल इदारा है और जो दुनिया के 55 कंट्रीज़ में है, और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनकी जो भी लास्ट ख्वाहिश होती है वो पूरा करता है। पाकिस्तान में जी फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स हम कोई 20,000 से ज़्यादा बच्चों की आखिरी ख्वाहिशात की तकमील कर चुके हैं, उनमें से कई बच्चे हमारे दरमियान नहीं हैं, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे दुनिया के रुखसत होने से पहले उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराहट उनकी जी मोस्ट चेरिश विश जो थी वो पूरा होने की थी। जबरदस्त जबरदस्त।